नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति से। चीन हमेशा से ही नई नई चाल चलता रहता है ताकि विश्व में उसका वर्चस्व बढ़े और वो सब पर राज कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि चीन की नापाक चाल से ज्यादातर देश वाकिफ है, इसीलिए वो इसके चंगुल में नहीं फंसते और इनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नाम भी शामिल है। चीन ने कई बार कोशिश की है कि अमेरिका उसके बहकावे में आ जाए, लेकिन चीन की चाल कामयाब नहीं होती। वहीं चीन ने एक बार फिर अपनी चाल चली है। आपको बता दें कि चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फैंग ने चीन अमेरिका संबंध एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर होने का जिक्र करते हुए कहा कि चीन को किसी खतरे के तौर पर देखने और दुश्मन मानने की जिद एक ऐतिहासिक और रणनीतिक भूल होगी। चीन के रक्षा मंत्री ने शांग्री लॉ डायलॉग को संबोधित करते हुए कहा कि चीन का मानना है कि चीन अमेरिका संबंध न केवल इन दोनों देशों बल्कि बाकी दुनिया के हितों की पूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच सहयोग वैश्विक शांति और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जनरल वेई फैंग ने कहा कि टकराव से ना तो हम दोनों देशों और ना ही अन्य देशों को फायदा होगा। चीन द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए प्रतिस्पर्धा का भावना इस्तेमाल करने का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि चीन को एक खतरे के तौर पर देखने और दुश्मन मानने की जिद एक ऐतिहासिक और रणनीतिक भूल होगी। जनरल वेई फैंग ने अमेरिकी पक्ष से कहा कि वो चीन के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे और चीन के हितों के नुकसान पहुंचाना भी बंद करे। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी पक्ष ऐसा नहीं करता है, तब तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध नहीं सुधर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को चीन पर स्वशासन वाले द्वीप ताइवान पर अपने दावे और इस क्षेत्र में अपनी अस्थिरकारी सैन्य गतिविधियों से अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन स्वशासित द्वीप का अपना एक हिस्सा मानता है और वो इसे बलपूर्वक भी मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ना चाहता है। चीन अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचे जाने के लगातार विरोध करता रहा है। फिलहाल अब चीन का ये बयान, उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया आगे क्या नया मोड़ दिखाएगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।